हम इस समय राजाजीपुरम के LPS ब्रांच में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इंटर के जो हर्ष शुक्ला हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है वो मौजूद हैं। हर्ष, कितने परसेंट आए आपने? सर 93.6। सोचा था आपने कि इस तरीके? जी सर, पढ़ाई से पहले? जी सर। कि कुछ और आगे सोचा था? ना सर, मैंने 90 प्लस तो सोचा ही था, क्लास टेंथ में मैंने सोच लिया था। तो किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, किस तरीके से तैयारी आपने करी थी? सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, और मुझे इस मतलब इस मुकाम पर पहुँचाने में प्रेरित करने वाले केशव भैया हैं और भीमलेश सर, जो जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले प्रेरित किया, और मैंने उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने किया। उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं जी, अब आगे क्या प्लान है? अब आगे IIT को करना चाहते हैं। अच्छा, खुश हैं आपने जो रिजल्ट आया उससे? जी सर। पिताजी हैं शुक्ला जी के, बाबू जी जब आपने सुना रिजल्ट? हाँ, तो सब ठीक है, अच्छा है। इसका विशेष श्रेय देखा जाए तो हमारे विमलेश आचार्य जी, विमलेश आचार्य जी ने ही इसके साथ बहुत कुछ, बाकी सब ठीक है। तो अब आगे जो करेंगे वो? हाँ, आगे IIT कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है करो, और क्या है IIT। आपने उम्मीद लगाई थी इस तरीके के रिजल्ट आ गया? नहीं नहीं, उम्मीद तो कर पहले से लगाए थे, उम्मीद तो लगाए थे। पढ़ाई किस तरीके से, घर ही से कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे? घर से कोचिंग नहीं करता, घर ही से पढ़ाई की है इसमें। अच्छा, होम से पढ़ाई की है, घर से पढ़ाई की है, ये है अपना लगन से किया है ये मान लो। उम्मीद बाकी हम तो, हाँ उम्मीद तो खैर है। तो देखिए, माता पिता के चेहरे पे बड़ी रौनक दिखाई दे रही है रिजल्ट को लेकर के, माता हमारे पास हैं। पता जी, जब देखा रिजल्ट, हर स्कूल के रिजल्ट ठीक आए हैं? हाँ जी, ठीक है जी, है यही उम्मीद थी, आगे से और करेंगे। हाँ ठीक है। तो प्राइवेट खूब करते थे घर पे? प्राइवेट हाँ पढ़ते थे, ऐसे रेगुलर कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है। अच्छा, कोचिंग गरीब करते हैं। अच्छा, चलिए बाबू, कितने में 90 रिजल्ट आ गया है? यस सर, मिला सर 91.3। क्या नाम है? अनंत भारद्वाज। अच्छा, कौन सा क्लास है? सर क्लास टेंथ। अच्छा, खुश हैं जैसे मिला? यस सर। कुछ और आगे सोच रहे थे इससे अच्छा मिलने का? नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर। अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे आप? सर IIT की तैयारी करेंगे। IIT तैयारी करेंगे। अच्छा जी, क्या नाम है? हर्षित यादव। अच्छा, कितने परसेंटेज आया? 92.5%। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। यस सर, 90 प्लस एक्सपेक्टेड था, 92 आ गया, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। यस सर जी। क्या नाम है? 89.6। नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात मिश्रा है, क्लास 12th। संतुष्ट है पूरी तरीके से? जी संतुष्ट, और चाहते थे बेहतर चाहते थे? थोड़ा 90 प्लस चाहते थे, बट 89.6 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, संतुष्ट है। हाँ, आगे क्या तैयारी है, क्या रहेगा? आगे IIT की तैयारी करेंगे अभी। हाँ, इंजीनियरिंग IIT करनी है। अच्छा, इस बार लखनऊ का कोई टॉप नहीं रहा, कोई टॉपर नहीं गया, तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा है कि होना चाहिए था, कोई ना कोई करता है सर? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बाजी भी लड़कियों ने मारी है सर, अब वो तो प्रथा चली आई है। तो आप साथ पापा? पापा जिस तरीके से बच्चों का रिजल्ट आया, आप लोगों ने भी सोचा था कि अच्छा इतना अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत सराहनीय रहा है इन लोगों की अपनी मेहनत, और ख़ास करके इनके गुरुजन वृंद जितने सभी लोग हैं उन सबका हम लोग आभार करते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरीके से यहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ है वो बड़ा सराहनीय रहा है, और ये इन लोगों की मेहनत है और स्कूल की पढ़ाई से इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोचिंग वगैरह कुछ लगाया? नहीं नहीं नहीं, कोई कोचिंग कोई नहीं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे देखिए, इनका जो है ना टेक्निकल एक मतलब उसमें जानना चाहते हैं, IIT की तैयारी करेंगे और एक उससे निकल, हाँ हाँ, उसके बाद ये जी। आप कुछ हैं? जी हम आज बहुत खुश हैं जी। यहाँ के टीचर जो है, प्रिंसिपल सब बहुत मतलब गाइड किए, और मेरे बच्चा आगे बढ़े। सर टीचर भी हैं स्कूल के, हम उनसे बात करेंगे। और सर, क्योंकि साल भर पढ़ाने के बाद रिजल्ट का इंतजार रहता है कि जो रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा बच्चों ने क्या किया और टीचर ने बच्चों को क्या कराया। आज क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चों ने और हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है और उसके अनुसार रिजल्ट भी अच्छा आया है। थोड़ा हम सेटिस्फाई नहीं हैं और उम्मीद अच्छी करते थे कि हम जो है स्टेट की मेरिट में आएंगे, लेकिन नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा रिजल्ट। लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी? हाँ, लड़कियों ने फिर बाजी मारी है।
लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कों ने ही बाजी मारी है। हमारे यहाँ दोनों बच्चे हाई स्कूल इंटर के दोनों बच्चे जो है इंटर के ही टॉपर, इंटर और हाई स्कूल दोनों बच्चे बॉयज ही टॉपर जी। दोनों बच्चों को परिचय करिए, दोनों बच्चों को थोड़ा सा बताइए क्या है, किस तरीके से पढ़ने लिखने में क्या। देखिए हमारा जो आपके इंटरमीडिएट उसमें हर्ष शुक्ला है वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है कि उसके फादर होम गार्ड हैं बहुत एक गरीब परिवार के, और वो केवल सरस्वती विद्या मंदिर से यहाँ पढ़ने आया था, हिंदी मीडियम का छात्र था और इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे बच्चा पढ़ा और उसने इतनी मेहनत की कि आज वो यहाँ का हमारे यहाँ का टॉपर है और उम्मीद करते हैं शायद इंटर की लिस्ट आएगी तो उसमें उसका नाम होना चाहिए। और हाई स्कूल में सचिन रावत भी उसी बैकग्राउंड से हैं, सच्चे उसके फादर एक्सपायर कर गए कोरोना काल में और उसके बावजूद वो बच्चा जो है अपनी मेहनत से रहा और आज उसने टॉप किया है। हम कह सकते हैं आज बड़ी खुशी है पेरेंट्स के लिए भी, छात्रों के लिए भी और खासकर टीचरों के लिए भी। नहीं, सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है, सभी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए और हमारे लिए तो है ही और सबके लिए। थैंक यू। तो ये हैं जो LPS के ब्रांच में मौजूद हैं, ये जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उस सब के चेहरे पे आज के रिजल्ट की खुशी है और ये बता रही है कि जिन्होंने जो पढ़ाई करी है और जो पूरे साल तैयारी करी है उसका फल आज उनको मिला है। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।